हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन सुथार रावस्तर से आपके समक्ष क्लास 12th की फिजिक्स के लेक्चर्स लेकर आया हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप हमारे इस चैनल से जुड़े हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं जिन बातों को डिस्कस करूंगा उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फिजिक्स क्लास 12th, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो क्लास 12th की बुक्स होंगी वो इस सेशन में कौन सी होंगी, ये कई बच्चों के लिए संशय का विषय बन चुका है। 2020-2021 सेशन के अंदर जो हमारी बुक्स लगेंगी वो बुक्स होंगी RBSE बोर्ड वाली, यानी जो प्रकार की जिन प्रकार की भ्रांतियाँ अभी फैली हुई हैं कि CBSE पैटर्न चलेगा या NCERT बुक्स लगेंगी, ये बातें मैं आपकी क्लियर करना चाहता हूँ कि क्लास 10th और 12th का सिलेबस जो है वो एज इट इज़ सेम रहेगा जैसा पहले था, सिर्फ इस साल के लिए। नेक्स्ट सेशन में 21-22 के में जो है जो उसका सिलेबस है वो बदल जाएगा, वो अपनी NCERT बुक्स जो है वो पैटर्न उस पर चल जाएगा। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले आपके सामने जो चैप्टर लेके आया हूँ वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1, फिजिक्स क्लास 12th, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी, देखिए स्टूडेंट्स बताना चाहूँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम की जो पूरी अपनी ब्रांच बनी हुई है, ये एक पूरी यूनिट है जिसमें पूरे 4 चैप्टर होंगे। ये यूनिट है हमारी जिसमें पूरे 4 चैप्टर होंगे और फर्स्ट चैप्टर जो है वो विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड है। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है कि इसमें स्टार्टिंग कहाँ से होगी और किन तरीके से अपने को इन सारे सब्जेक्ट्स को, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसी पर बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स या आवेश या चार्जेस, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। रेस्ट का मतलब है स्थिर, यानी एक जगह रुका हुआ। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड्स का एक समायोजन है जिसमें क्या कहता है, दैट मीन्स दैट वी विल स्टडी द चार्जेस विच आर एट रेस्ट पोजिशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस विच आर एट रेस्ट पोजिशन। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जो भी चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, आपने पढ़ा होगा, वो रेस्ट में यानी स्थिर होते हैं जब, तो उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनका कितना फोर्स लगता है, कितना उनका पोटेंशियल होता है, कितना उनका कैपेसिटेंस है, उनके क्या क्या फोर्सेज हैं, किस तरफ रिपल्शन करते हैं, किस तरफ अट्रैक्शन करते हैं, ये सारी बातें जो अपने को पढ़नी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की ब्रांच में पढ़नी होती है। तो सबसे पहले आप इसको लिखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट पोजिशन। ठीक है, ये तो हुई इतनी सी बात कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वो है जिसमें हम रेस्ट चार्जेस को स्टडी करते हैं, ये बात तो क्लियर हुई। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि चार्ज क्या चीज़ होती है। यहाँ आपने बात की है स्टडी करेंगे अबाउट चार्जेस, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है। चलो इसको पढ़ते हैं, चार्जेस क्या होते हैं या आवेश क्या होते हैं, इनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली हेडिंग डाल दी आप इसके डेफिनेशन के बाद में, चार्जेस या आवेश। चार्ज या आवेश,
एग्जांपल से बताऊंगा और एग्जांपल से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक बलून है और कुछ पीसेज ऑफ पेपर है। एक बलून है या कोई स्केल है और कुछ पीसेज ऑफ पेपर हैं आपके पास, ठीक है। जैसे ये स्केल है आपके पास इस तरीके का। इस स्केल को जब आप अपने हेयर के अंदर रब करेंगे थोड़ी देर के लिए रब करेंगे, और फिर आप जब छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर होंगे उनके पास जब आप लेके जाएंगे, तो क्या होगा कि वो पीसेज ऑफ पेपर जो होंगे वो इसके अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, इसके चिपकने लग जाएंगे। किसके? स्केल के। या फिर बलून के केस में भी ऐसा होगा। बलून को आप क्या कीजिए, रब कीजिए, और बलून को जब आप रब करेंगे और उसको कुछ पेजेस के पास, छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर के पास लेके जाएंगे, तो वो पीसेज ऑफ पेपर जो होंगे वो अट्रैक्ट होंगे और उसके चिपक जाएंगे। ये क्या हुआ, क्या आपने कभी सोचा था ऐसा? मुझे मालूम है आप सभी ने ऐसा किया होगा। स्टार्टिंग के अंदर बच्चे जब आप थे, 6th-7th class के अंदर जब थे, तो आप सभी ने ऐसा केस किया होगा। पर क्या कभी किसी ने सोचा कि ये क्यों हो रहा है? नहीं सोचा होगा। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि वो क्या होता था। वहाँ होते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक चार्ज जनरेट होते हैं। वहाँ क्या जनरेट होता है? चार्ज जनरेट होता है। क्या होता है? चार्ज जनरेट होता है। और वही चार्ज क्या कर रहा है? उनको अट्रैक्ट कर रहा है, उनके ऊपर फोर्स लगा रहा है। किन के ऊपर? वो पीसेज ऑफ पेपर जो हैं। यानी चार्ज क्या हुआ? डेवलप हुआ। एक तो क्या हमें पता चला? चार्ज डेवलप हुआ, उसने अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ? उसने फोर्स एग्जर्ट किया है। क्या एग्जर्ट किया है? फोर्स एग्जर्ट किया। और किन के ऊपर? पीसेज ऑफ पेपर के ऊपर, पीसेज ऑफ पेपर के ऊपर, ठीक है। ये तो बात हुई। अब बताओ, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है? इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि चार्जेज एक ऐसी चीज़ हैं जो कि नहीं दूसरे सब्सटेंसेस पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं, या पुल या पुश भी करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट में भी आपने देखा होगा, 10th class में पढ़ा है आपने कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी चार्जेस का फ्लो होने का जो रेट होगा, यानी जो उनकी दर होगी पर यूनिट टाइम के अंदर कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, वही क्या होती है? उनकी इलेक्ट्रिक करंट होती है। यानी चार्ज फ्लो होने से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। यानी इसमें हम क्या कह सकते हैं कि चार्जेस आर दो सब्सटेंसेज विच कैन कैरी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन ए सब्सटेंस एंड दे एग्जर्ट फोर्स ऑन एनीथिंग। यानी वे किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं, साथ ही साथ उस पर क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। अब देखिए, इसमें हमारे जो साइंटिस्ट थे वो थे थेल्स, 600 बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व ये थे। इन्होंने ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिनकी वजह से इन्होंने बताया कि चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने लिखेंगे, चार्जेज आर दो सब्सटेंसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी सर्किट या सब्सटेंस। और साथ साथ क्या होता है? दे ऑल्सो एग्जर्ट्स प्रेशर। वे क्या करते हैं? प्रेशर या फिर फोर्स भी एग्जर्ट करते हैं। तो ये बात आप लिख लीजिए अपनी डेफिनेशन के हिसाब से, चार्जेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यानी सर्किट या फिर सब्सटेंस, ओके। और ये क्या है? फोर्स भी एग्जर्ट करते हैं। चार्जेस को क्यू से डिनोट करते हैं। किस से डिनोट करते हैं? क्यू से, कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखें। अब अपने बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ये तो हमने देख लिया।
अब कितने टाइप के हैं और उनमें किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो अपने बात करते हैं। देखो एक साथ साथ अपने इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी SI यूनिट क्या है। SI यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो क्या है, कूलाम या फिर कैपिटल सी, ये है इसकी यूनिट या मात्रक। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि कितने टाइप के चार्जेज हैं और किन्होंने इसको जनरेट किया कि इस टाइप के ये दो चार्जेज होंगे। तो अपने बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की। टाइप्स ऑफ चार्ज देखिए, एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें ये देखा गया कि क्या होता है, किस तरीके से जानकारी ली जाए कि चार्जेस क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले बताता हूँ, एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने क्या किया, एक ग्लास की रोड को लिया, ग्लास की रोड को एक सिल्क के कपड़े के साथ क्या किया गया, रब किया गया। तो क्या देखते हैं, एक ग्लास रोड थी, उसी के साथ साथ एक ग्लास रोड और ली गई, जिन दोनों के अंदर क्या था, इसको भी सिल्क के कपड़े से रब किया गया था और इस ग्लास की रोड को भी सिल्क कपड़े से रब किया गया था। तो जब उन्होंने क्या देखा कि इन दोनों को जब पास पास में हैंग किया गया, लटकाया गया, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन लग रहा था। क्या लग रहा था, रिपल्शन लग रहा था, रिपेल कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे, रिपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, यानी हम ग्लास की रोड को भी तो एक सिल्क के कपड़े से रब कर रहे थे और दूसरी ग्लास की रोड को भी सिल्क के कपड़े से रब कर रहे थे। यानी अगर उनमें कुछ चार्जेस होंगे, रबिंग करने से चार्जेस होते हैं, ये आपने देख लिया पहले से, तो जब उनमें चार्जेस जनरेट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनमें सेम चार्जेस जनरेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, सेम चार्जेस जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, इतनी बात तो पता लगी। फिर इन्होंने प्लास्टिक की रोड को इस तरीके से हैंग किया। उन्होंने हैंग करने के बाद में उन्होंने ये देखा कि इसके अंदर भी क्या हो रहा था, एक दूसरे में रिपल्शन लग रहा था, एक दूसरी जो भी प्लास्टिक की रोड्स थी उनके बीच में क्या हो रहा था, वो रिपेल हो रही थी। ठीक है, ये क्या थी, प्लास्टिक की रोड्स दोनों ही। नेक्स्ट उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया और ये देखा कि जब किसी भी ग्लास रोड को दूसरी प्लास्टिक की रोड के साथ में क्या करवाया गया, पास में लाया गया, तो क्या देखा कि वहां अट्रैक्शन हो रहा था। क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था। देखो बड़ी अलग सी बात है, ये ग्लास रोड है और ये है प्लास्टिक रोड, इसमें इबोनाइट रोड भी यूज करते हैं कई और सिल्क के कपड़े की जगह फर का यूज कर लेते हैं, वो अलग अलग टॉपिक्स हैं अलग अलग जगह। तो देखिए क्या हुआ, हमें क्या कंक्लूज हुआ कि जब हमने ग्लास की रोड के सामने रखा तो वहां हो रहा था रिपल्शन, और जब प्लास्टिक की रोड को प्लास्टिक की रोड के पास लाए तो वहां भी रिपल्शन हो रहा था, और उसी के साथ साथ जब हमने क्या किया, ग्लास की रोड को प्लास्टिक की रोड के पास लेके आए तो वहां हुआ अट्रैक्शन। यहां पता लग गया भाई, क्या पता लग गया, यहां उन साइंटिस्ट को ये पता चला कि चार्ज एक टाइप का तो नहीं है, यानी कम से कम दो टाइप का तो चार्ज है ही है। तो यहाँ देखो टाइप जो थे वो क्या मान लिए गए, टाइप्स ऑफ चार्जेस, वो मान लिए गए कि कम से कम एटलीस्ट टू टाइप्स होंगे, वन और टू, टू टाइप्स होंगे। ठीक है, अब देखो टू टाइप्स होंगे तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कौन से में कौन सा चार्ज है और कौन से में कौन सा चार्ज है ये तो नहीं पता चल सकता। और एक चीज़ और पता लगी उनको कि सेम चार्ज जो होंगे ना, सेम चार्ज
वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जो डिफरेंट चार्ज होंगे ना, डिफरेंट चार्ज, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इतनी बात तो पता लग गई इन दोनों एक्सपेरिमेंट से, सेम चार्ज रिपेल करेंगे और डिफरेंट चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और ये भी पता चल गया कि ग्लास रोड के अंदर दूसरा चार्ज है और प्लास्टिक रोड के अंदर कोई अलग चार्ज है। और फिर जो हमारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये मान लिया, एज्यूम कर लिया कि ग्लास रोड के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और प्लास्टिक रोड के अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब इनका नाम किसने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट हुए। कौन हुए, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट हुए। उन्होंने क्या बताया कि चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब चार्जेस को समझने के लिए आप चीज़ और भी देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ पर चार्ज कैसे आता है। समझिए इस चीज़ को, चार्ज कैसे आता है। एटम के बारे में पढ़ा होगा आपने, एटम, एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बिल्कुल बीच में उसके न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं और जो उसकी चारों ओर ऑर्बिट्स होती हैं उन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। क्या, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो एक चीज़ यहाँ, एक चीज़ ये भी होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको सोडियम का, एग्जांपल देता हूँ आपको सोडियम का, सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, प्लस 11, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, माइनस 11, कट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। यानी सोडियम का जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब देखिए चार्जेस कब जनरेट होते हैं, जब कोई भी दो चीज़ों के बीच में रबिंग होती है या जब वो दोनों कॉन्टैक्ट में आते हैं, तब क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाहरी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ लूजली बाउंडेड होते हैं। क्या होते हैं, लूजली बाउंडेड, यानी कम बंधे हुए होते हैं। और बांध के कौन रखता है, न्यूक्लियस, कौन रखता है, न्यूक्लियस। और जब वो लूजली बाउंडेड होते हैं तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सर्ट कर जाते हैं या फिर एग्जिट कर जाते हैं, और एग्जिट करने से क्या हो जाता है, जो पास वाली चीज़ के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं उसके अंदर भी चार्ज जनरेट हो जाता है, और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन गए हैं वो भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। कैसे, मान लीजिए सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया, लूज करने से इसके पास प्रोटॉन कितने बचे, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं वो तो उतने ही रहेंगे 11, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे, 10 हो जाएंगे। तो 11 प्रोटॉन्स का चार्ज प्लस 11 और माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज हो जाएंगे माइनस 10। तो जब इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 1, यानी सोडियम के एटम के ऊपर चार्ज आ गया प्लस 1, सोडियम पे प्लस 1 आ गया, और मान लीजिए Cl पास में था तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यानी दोनों चीज़ें क्या हो गई, प्लस और माइनस हो गई, चार्ज जनरेट हुआ। ये है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के डायग्राम। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो अभी हमने पढ़ा कि कितने टाइप के चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मेन सबसे पहला टॉपिक यही था, चार्ज का यूनिट पढ़ा हमने, किस तरीके के चार्ज होते हैं और कितने टाइप के चार्ज होते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ेंगे और आगे की चीज़ों को ध्यान देंगे। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग।